नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने 3 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर लिया है और इसके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट सूची ही बना दी है। उसका नाम रखा है हम लोगों ने मंथली करंट अफेयर्स 2021 के नाम से, और इसमें आप लोगों को 12 महीने की करंट अफेयर्स की क्लासें मिल जाएंगी। और इन सब की PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इन्हें आप लोग वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अप्रैल महीने में जो भी घटनाएं घटी हुई है उनसे संबंधित आपकी परीक्षाओं में किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ शामिल कर लिया गया है। और आप सभी लोग बेहतर जानते हैं कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण रहता है करंट अफेयर्स। आप देखते होंगे कि आपका स्टेट PCS हो, जिसमें MPPSC, बिहार PCS, उत्तर प्रदेश PCS या राजस्थान, छत्तीसगढ़, या फिर आपके और भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम में करंट अफेयर्स से अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। चलिए, और इसमें आप लोग देखिए, करंट अफेयर्स को ही कवर नहीं करेंगे, इसमें स्टेटिक जीके को भी हम लोग कवर करेंगे, यानी कि हम इन सभी क्वेश्चंस को बड़े विस्तार से जानने वाले हैं। और इसमें चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है हमारे सामने पहला क्वेश्चन। प्रति वर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? 31 मार्च, 1 मार्च, अप्रैल, 2 अप्रैल या फिर 30 मार्च? तो आप सभी लोगों को बता दूं कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और याद रखिए, इसे संयुक्त राष्ट्र हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाता है, और इसका उद्देश्य यही है कि लोगों में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। और दुनिया भर में बहुत से संगठन ऐसे भी हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के निदान और उपचार के लिए योगदान भी देते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इसे कब पहली बार मनाया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे, आपको बता दूं कि 1 नवंबर 2007 को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाने का संकल्प पारित किया था, और सभा ने 18 दिसंबर 2007 को अपनाया था और इसे साल 2012 से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग इस साल की इसकी थीम की बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि थीम इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, तो इसकी थीम कार्यस्थल में शामिल करना महामारी के बाद कि दुनिया भर में चुनौतियों और अवसर, एक तरह से इसकी थीम रखी गई थी। अब आप कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का भी उल्लेख किया गया है, यूनाइटेड नेशंस का, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट बता दीजिए। तो इसकी स्थापना, यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क USA में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं? ए ऑप्शन इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? ए ऑप्शन कह रहा है कि मुखमित एस भाटिया, और बी कह रहा है आपसे दिलीप कुमार शाह, राजकुमार शर्मा, सूर्यदेव घोगले, क्या होगा इसमें से? तो याद रखिए, मुखमित एस भाटिया होगा इसमें। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बात करें तो 25 फरवरी 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एक तरह से कर्मचारियों के लिए एक तरह से ये बीमा चलाता है, बीमा करवाता है। आप भी लोग भी तो बीमा करवाते हैं ना अपना, अपनी गाड़ियों का उसी तरह से। अगला क्वेश्चन है, किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन कह रहा है अंकिता पटेल, बी कह रहा है सुमन चौधरी, और सी कह रहा है मल्लिका श्रीनिवासन, और डी कह रहा है वैष्णवी प्रजापत। तो याद रखिए, इसमें मल्लिका श्रीनिवासन को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESB का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे सामने कौन व्यक्ति क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? विकास पारिक, आदिल जैनुल भाई, मनीष दारूवाला, जयंत मंडेला। तो इसमें याद रखिए, आदिल जैनुल भाई होंगे, इसमें बी ऑप्शन होगा। ठीक है,
क्या होगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्या लगाओगे? बी ऑप्शन आप लोग, बिल्कुल सही रहेगा। और याद रखिए, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख आदिल जनरल भाई को सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन कर्म योगी के तहत स्थापित क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, और नौकरशाही में व्यापक सुधार लाने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रसिद्ध व्यक्तित्व शशिकला जावलकर का डेथ हो गई, यानी कि मौत हो गई, निधन हो गया इनका, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? अभिनेत्री थी, या गायक थी, लेखक थी, या फिर गणितज्ञ थी? बताइए कौन थी? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अभिनेत्री थी। और आप लोग अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते रहते होंगे तो मुझे लगता है आराम से आप लोग इनके आंसर भी दे सकते थे। इनकी डेथ हुई थी 4 अप्रैल 2021 को, और 100 से ज्यादा फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभा भी चुकी थी, और 4 अगस्त 1932 में महाराष्ट्र के सोलापुर में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें इनके कामों के लिए आप देखिए कि 2007 में पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया था, 2009 में बी शांताराम अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पितिवस राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? एक बात और आपको बता दूं, विश्व समुद्र दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय समुद्र दिवस भी मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि 5 अप्रैल को, कब? 5 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्र दिवस। और अगर हम लोग विश्व समुद्र दिवस की बात करें तो ये आपका सितंबर महीने के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है, ठीक है? सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। और अगर हम लोग इसकी थीम की बात करें विश्व समुद्री दिवस की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका समुद्री महिलाओं, समुद्री समुदाय समुदाय में महिलाओं को सशक्त बनाना इसकी थीम रही थी। विश्व समुद्री दिवस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जरूर याद रखिएगा, फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाए। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस के बारे में भी कुछ पॉइंट बता देता हूँ। 5 अप्रैल को तो आपको मालूम है कि मनाया जाता है इसे, और इस समझ रहे हैं, 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय फ्लैग मर्चेंट पोत MS सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के स्वामित्व वाली SS लॉयल्टी की पहली यात्रा की स्मृति में एक तरह से इसे मनाया जाता है, ठीक है? ये आप लोग याद रख सकते हैं। COVID-19 से आगे सतत नौ परिवहन इस बार की थीम रही है इसकी, राष्ट्रीय की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कई दिवस होते हैं जो राष्ट्र भारत के लेवल पर मनाए जाते हैं, कई उन्हीं में से दिवस होते हैं कि आप देखते हैं विश्व स्तर पर मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आप लोग क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ लिया करिएगा, और मेरा देखिए ऐसा मानना है कि अगर आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आ जाता है तो उसका आंसर देने की बहुत करीब आप लोग पहुंच चुके होते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कौन अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसमें राजस्थान है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है, मणिपुर है। इनमें से एक ऑप्शन सही होगा, और उस ऑप्शन को आप लोगों को चुनना है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसमें आप लोग क्या लगाओगे? राजस्थान लगाओगे। देखिए राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, और इसके साथ ही राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां प्रत्येक परिवार के को प्रति वर्ष यानी कि हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। और इसमें याद रखिए, जिनकी आर्थिक रूप से जो गरीब है उन्हें बिना किसी प्रीमियम के यानी कि बिना कोई शुल्क जमा किए इस योजना का लाभ मिलेगा, और जबकि अन्य लोगों को परिवार की योजना का लाभ लेने के लिए सभी परिवारों को 850 रुपये हर साल देने होंगे, ठीक है? और योजना से जुड़ने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के सभी परिवार योग्य होंगे, कोई भी इसका फायदा ले सकता है। देखिए यहाँ राजस्थान का उल्लेख है, तो राजस्थान के बारे में बता देता हूँ आपको। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर है,
और यहाँ विधानसभा में आपको 200 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 10 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? और तो इसमें पहला ए ऑप्शन क्या कह रहा है, एमएस राव, बी कह रहा है के गोखले, सी कह रहा है जीएस पालीवाल और डी कह रहा है एनवी रमना। तो याद रखिए इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, एनवी रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। याद रखिए कई बार पूछा जा सकता है कि एनवी रमना रमना कौन से नंबर के थे मुख्य न्यायाधीश, तो 48वें याद रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी हुई है। और आपको बता दूं कि एक तरह से जो वर्तमान सीजीआई थे MSA बोबड़े, ये 23 अप्रैल 2021 को रिटायर्ड हो रहे थे और जस्टिस रमना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा, ठीक है। और वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले ऐसे जज होंगे जो सीजीआई बनेंगे। और तेलुगु भाषियों की बात करें तो वह दूसरे होंगे जो, क्योंकि वे सुब्बा राव के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, सुब्बा राव के बाद इनका नंबर आता है, दूसरे हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोगों से अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा आपको, दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना की बात होती तो आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, 26 जनवरी 1950 को। और अभी यहाँ इसमें अगर हम लोग चीफ जस्टिस की बात करें मुख्य और अन्य की, तो 34 देखने को मिलेंगे, 33 अन्य और एक आपका मुख्य न्यायाधीश गिरा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ जानना है इसके बारे में तो और कुछ बता देता हूँ। संविधान का भाग 5 पढ़े होंगे आप लोग, अध्याय 4 को पढ़े होंगे आप लोग, इसमें आपको इसमें सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसमें सभी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की हो, संरचना की हो, ये सभी व्यवस्था की गई है, तो इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्या रखेंगे, याद रख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है, बताइए। ए ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, ए ऑप्शन कह रहा है आपसे आशीष छिल्लर, राजेश शर्मा, सुमन चक्रवर्ती और जीवन प्रसाद, कौन होंगे इसमें से बताइए, कुछ पता है? तो देखिए इसमें आप लोग क्या लगाओगे, इसमें लगाओगे आप लोग सुमन चक्रवर्ती, सुमन चक्रवर्ती यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, सी ऑप्शन कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा आपको। और बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सन 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। और सुमन चक्रवर्ती के बारे में बात करें तो इन्होंने इंजीनियरिंग विभाग में और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तकनीकियों के विकास में इसके इस्तेमाल के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया हुआ है। अच्छे काम करोगे, अच्छा काम करोगे तो मुझे लगता है स्वाभाविक सी बात है कि आपको पुरस्कार मिलेंगे ही, आपकी एक प्रशंसा होगी ही, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कौन व्यक्ति बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बने हुए, बीसीसीआई के बारे में सुने हो कभी, क्या नहीं सुने हो? ए ऑप्शन आपसे कह रहा है जफर महमूद, सब्बीर खंडवाला और दीपक स्वामी, या फिर आकाश महेश्वरी। तो आप लोग क्या लगाओगे इसमें, कुछ पता है? तो याद रखिए इसमें आपके सब्बीर खंडवाला होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए बीसीसीआई का पूरा नाम क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मुंबई में, कहाँ देखने को मिलेगा, मुंबई में, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और मुझे लगता है क्रिकेट के प्रेमी होंगे तो आप लोगों को तो और मुझसे बेहतर मालूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने।
केंद्र सरकार ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया हुआ है? विष्णु झा, चेतन कुमावत, तरुण बजाज, परेश डिंडा। तो याद रखिए इसमें तरुण बजाज होंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। सी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में ही तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं? हामिद मेमन, अजय सेठ, हर्षित गोस्वामी या प्रकाश ठाकुर। तो याद रखिए इसमें अजय सेठ होंगे। कौन होंगे? अजय सेठ होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन आप देखिए कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 7 अप्रैल, 5 अप्रैल, 3 अप्रैल या 6 अप्रैल। तो याद रखिए इसमें 7 अप्रैल होगा। क्या होगा? 7 अप्रैल होगा। और इसे दिवस को मनाने का उद्देश्य यही रहता है एक तरह से कि दुनिया भर में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की आसानी से पहुंच हो सके और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी इसका उद्देश्य है। और इस साल की थीम की बात करें तो एक निष्पक्ष और अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया क्यों जाता है। तो देखिए, याद रखिए, आप लोगों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में सुना होगा, जिसे आप लोग शॉर्ट में WHO कह देते हैं, WHO कह देते हैं, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 7 अप्रैल को उसकी याद में एक तरह से इस दिवस को मनाया जाता है। और पहली बार, याद रखिए, इसे मनाने की शुरुआत 1950 में हुई थी। कब? 1950 में हुई थी। और इसकी थीम आप लोगों को बता ही चुका हूं, इसकी थीम आप लोग जरूर याद रखिएगा, एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, इस बार की थीम रखी गई थी। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, जितने भी आपके संगठन हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, इन सबको हम लोग कवर कर चुके हैं और महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, वहां आप जाकर देख भी सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि आपकी हर परीक्षा में संगठनों से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं, तो इन्हें कवर आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन व्यक्ति भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? इसमें आपका ए ऑप्शन कह रहा है के नागर, बी कह रहा है एस रमन, सी कह रहा है बी कृष्णा और डी एस परमार। कौन होंगे इसमें से, जिसे आप लोग शॉर्ट में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को क्या कह देते हैं? सिडबी भी कहते हैं। तो याद रखिए इसमें एस रमन होंगे, एस रमन होंगे। और इसे आप लोग इंग्लिश में स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन कोसोवो की नई राष्ट्रपति बनी है? एक देश है कोसोवो, इसी की राजधानी, इसकी एक तरह से नई राष्ट्रपति कौन बनी हुई है? ए ऑप्शन कह रहा है नजीमा अख्तर, बी कह रहा है डेली जुहास, सी कह रहा है वजोसा उस्मानी और डी टॉम मैरी। तो इसमें आप लोगों को याद रखना होगा वो वजोसा उस्मानी, ठीक है, ये नए राष्ट्रपति बनी है। तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। और आपको बता दूं कि देखिए, एक स्थलबद्ध रुद्ध देश है, ठीक है, चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है, कोई भी महासागर किससे नहीं लगता है, ये भी, इसकी राजधानी प्रश्टीना है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कौन व्यक्ति अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक बने हैं? हरीश चौधरी, जितिन प्रसाद, महेश कुमार या चिंतन वैष्णव।
तो इसमें से कौन है बताइए कुछ। तो अटल इनोवेशन मिशन की बात हो रही है, तो इसमें आप देखेंगे चिंतन वैष्णव होंगे, ठीक है। और यह नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने का एक प्रयास है सरकार की तरफ से हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर 88 वर्ष की उम्र में इनका डेथ हो चुकी है, कौन थी ये? ए ऑप्शन कह रहा है चंद्रा नायर, और बी कह रहा है गीता प्रसाद, सी कह रहा है रेणुका राव, और सी डी कह रहा है अश्विनी देसाई। तो क्या होगा इसमें से बताइए कुछ। तो याद रखिए इसमें होगा आपका क्या, चंद्रा नायड़, चंद्रा नायड़, ठीक है। इनकी हाल में ही डेथ हो चुकी है, तो याद रखिए ये भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कमेंटेटर रही हैं, इनकी 88 साल की उम्र में एक तरह से डेथ हो चुकी है। और उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप बॉम्बे और एमसीसी की टीमों के बीच इंदौर में वर्ष 1977 में खेले गए क्रिकेट में मैच में पहली बार कमेंट्री भी की हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन व्यक्ति भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? ए कह रहा है देवीलाल शर्मा, बी कह रहा है विनोद कुमार, सी कह रहा है संजीव कुमार, और डी कह रहा है वीरेंद्र सिंह। तो क्या लगाओगे इसमें? तो याद रखिए संजीव कुमार होंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगा 1 अप्रैल 1995 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आरबीआई ने पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया, कितना कर दिया गया आरबीआई की तरफ से? 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए यानी कि 2.5 लाख रुपए, या फिर 5 लाख रुपए, बताइए इसमें से चार में से एक तो सही होगा, कौन सा सही होगा वो? तो इसमें आप देखिए 2 लाख रुपए कर दिया है, कितना 2 लाख रुपए कर दिया गया है। अब आरबीआई की बात हुई है, तो आरबीआई के बारे में कुछ बता देते हैं पॉइंट। आरबीआई की स्थापना आप सभी को मालूम होगी कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। इसका मुख्यालय आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर मुंबई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हमारी केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रति वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी डॉक्टरों के पास आप लोग गए हैं, बड़ी छोटी छोटी दवाइयां देते हैं, आप लोगों ने खाई भी होंगी। 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल, कब बताइए कुछ इसके बारे में। तो याद रखिए 10 अप्रैल को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है इसे। और इसके बारे में और कुछ अगर बात करें, तो होम्योपैथी के जनक माने जाने वाले जर्मन मूल के ईसाई फेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल को हुआ था, तो इसीलिए उनकी याद में आप कह सकते हैं कि ये मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस को। और इसकी अगर हम लोग विषय की बात करें, होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप इस बार की थीम रखी गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, कौन यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हुई है, ए कह रहा है फातिमा मोहम्मद, बी कह रहा है नोरा अल मतरूसी, और सी कह रहा है नसीबा फारूकी, और डी कह रहा है रहमत अल सबनम। तो याद रखिए इसमें नोरा नोरा अल मतरूसी है, ठीक है। क्या होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और जिसकी कैपिटल यानी कि राजधानी अबू धाबी है, आप लोगों पढ़ते भी रहते होंगे। देखिए जब भी किसी दे कोई देश चर्चा में रहता है, तो उसकी स्थिति मैप में कहाँ है, उसके बारे में करंट में क्यों चर्चा में है, ये सभी पॉइंट आप लोग याद रख लिया करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति पंजाब राज्य की कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बने हैं? सोनू सूद, सनी देओल, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन।
मुझे लगता है कि आप लोगों ने बेहतर न्यूज़पेपर पढ़े हैं और कोरोना महामारी के समय की स्थिति देखी है, तो आप मुझे लगता है कि बेहतर आप लोग इसका आंसर दे पाते, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा पाते। सोनू सूद, आप सभी जाने हैं कि जानते हैं कि सोनू सूद ने किस तरह से लोगों को घर पहुंचाया, उनकी मदद की हुई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम पंजाब के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब को राज्य बनाया गया था, और यहाँ 117 सीटें आपको विधानसभा में देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 13 सीटें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। दिए गए बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ट्विस्ट, या फिर आपका द डिग, नोमाडलैंड, हियर बिफोर? तो याद रखिए इसमें नोवार्ड लैंड होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे इसमें। 2021 के द ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार दिए गए हैं, और जिसमें इस साल इस अवार्ड सेरेमनी में फिल्म नोवार्ड लैंड की धूम रही है, और इसलिए आप देखिए इसे मिला है। आगे चलते हैं हम लोग। कौन नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनी हुई है? NCAER की पहली महिला निदेशक बनी हुई है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की बात हो रही है। इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? रितु जायसवाल, अंकिता चौधरी, विशाखा लोखंडे और पूनम गुप्ता। तो याद रखिए पूनम गुप्ता होंगी। अगर हम लोग नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के बारे में बात करें, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन व्यक्ति भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? इसमें ए ऑप्शन कह रहा है अनिल शर्मा, बी कह रहा है राजपाल गौरा, और सी कह रहा है सुशील चंद्रा, और डी कह रहा है सीताराम यादव। और इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि देखिए एक न्यूज़पेपर कम से कम आप लोग पढ़ते रहा करिएगा, इससे क्या होता है कि आसानी से आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रह जाता है। तो इसमें सुशील चंद्रा होंगे। कौन होंगे? सुशील चंद्रा होंगे। सुशील चंद्रा को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, और आपको बता दूं कि सुनील अरोड़ा का इन्होंने स्थान लिया हुआ है। चंद्रा को 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल लगभग आप देखेंगे 14 मई 2024 तक रहेगा। कब तक? 2022 तक रहेगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस हिसाब से रहता है, तो आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। अगर हम लोग चुनाव आयोग के बारे में बात करें, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि देश की लोकसभा या राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सभी के चुनाव करवाता है आपका भारत निर्वाचन आयोग। और आपके जो स्थानीय चुनाव होते हैं, जैसे आप देखिए कि आपके जो सरपंची के या नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, तो इनके लिए राज्य में आपके हर राज्य में अपने चुनाव आयोग होते हैं। और भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन? सुकुमार सेन। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। रखोगे या नहीं रखोगे? और भारतीय संविधान का अनुच्छेद आप लोगों ने 324 पढ़ा होगा ना, ये चुनाव आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये सभी चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपसे अनुच्छेद 324 की बात करें, तो ये निर्वाचन आयोग में चुनाव के संदर्भ में चिन्हित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की बात करता है। अनुच्छेद 325 अगर देखेंगे तो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल ना करने और इनके आधार पर मतदान के लिए आयोग नहीं ठहराने का प्रावधान रखता है। अनुच्छेद 326 की बात करें तो लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये कहता है। और अनुच्छेद 327 कहता है कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 328 कहता है किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 329 कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन यानी कि हस्तक्षेप को रोकने की बात करता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो याद रखिए इन दो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब कहते हैं, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 11 अप्रैल या 14 अप्रैल, 18 अप्रैल या फिर आपकी 15 अप्रैल, बताइए आप लोग कब मनाई जाती है। भीमराव अंबेडकर के बारे में सुने हो या नहीं सुने हो? और आप सभी को मालूम होगा कि भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो याद रखिए 14 अप्रैल को मनाई जाती है अंबेडकर जयंती। इन्हें संविधान का क्या कहते हैं? पिता। और आप लोगों को एक बात बताता हूँ, बड़ी ही दिलचस्प बात है। देखिए गांधी हो या फिर आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या भीमराव अम्बेडकर साहब हो, इनकी विचार कई मुद्दों को लेकर एक तरह से इनका विवाद था, इनके विरोधाभास था इनके विचारों में। लेकिन आप देखिए कि नेहरू साहब की जब मंत्रिमंडल का गठन होता है पहली बार, तो उसमें कानून मंत्री का किसे बनाया जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। क्योंकि उस समय आपको बता दूं कि कानून के ज्ञाता थे कोई अगर थे तो उन्हें भीमराव अंबेडकर साहब थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। आज के आप लोग सोच लीजिए, आज तो प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसे अपना जो एक तरह से उनके पक्ष में रहता होगा, उस जो हाँ में हाँ मिलाता होगा उसे ही बनाएंगे। भीमराव B.R. अंबेडकर साहब की अगर पूरे नाम की बात करें तो भीमराव रामजी अंबेडकर इनका नाम था। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और इनकी डेथ हुई थी यानी कि मौत हुई थी 6 दिसंबर 1956 को, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर की मौत यानी कि निधन हो गया, डेथ हो गई, ये किससे जुड़े हुए थे? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती, बताइए। तो याद रखिए हॉकी से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? हॉकी खेल से जुड़े हुए थे। हॉकी आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हॉकी के बारे में तो मुझे लगता है कि मालूम भी होना चाहिए, आप लोग हॉकी खेले भी होंगे कई लोग, और हॉकी का काम और भी रहता है, आप लोग देखते होंगे, आप लोग लड़ाई करने भी जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय डंपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के नए महानिदेशक बने हैं? कौन व्यक्ति राष्ट्रीय डंपिंग एजेंसी यानी कि नाडा के नए महासचिव बने हैं? अरविंद चक्रवर्ती, राकेश सेन, सिद्धार्थ लोंगजाम या फिर यशपाल सिंह? तो याद रखिए इसमें आपके कौन होंगे, इसमें होंगे सिद्धार्थ लोंगजाम। ठीक है, और इस राष्ट्रीय डंपिंग विरोधी संस्था की बात करें तो इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ? न्यू दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष यानी कि हर साल कला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस बताइए, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या फिर 18 अप्रैल? तो आपको मालूम होना चाहिए ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है दुनिया भर में। एक तरह से आप देखिए यह दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि कला और संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो ये भी आप लोग, और पहली बार ये 2012 में मनाया गया था, 2012 में मनाया गया था। हमारी संस्कृति आप देखिए, हमारी संस्कृति, हम लोग बहुत हटते जा रहे हैं अपनी संस्कृति से। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को, वर्ल्ड आर्ट डे की बात हो रही है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे मार्च 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? इसमें आपसे क्या कह रहा है, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, भुवनेश्वर कुमार या स्टीवन स्मिथ? कौन होंगे बताइए, कुछ अंदाजा लगा पाओगे कि नहीं लगाओगे? देखिए इसमें आपके भुवनेश्वर कुमार होंगे। ठीक है, कौन होंगे? भुवनेश्वर कुमार। ICC का पूरा नाम क्या होता है बताइए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। ठीक है, तो इसमें भुवनेश्वर कुमार चुने गए हैं मार्च महीने के लिए बात कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, हर साल यानी कि प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व हीमोफीलिया दिवस की बात हो रही है, बताइए कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है 17 अप्रैल, बी कह रहा है आपसे 18 अप्रैल, सी कह रहा है 12 अप्रैल और 15 अप्रैल, डी है 15 अप्रैल। तो इसमें याद रखिए आपका 17 अप्रैल होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का यही उद्देश्य है कि बीमारी के बारे में, हीमोफीलिया के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। ठीक है, क्या किया जा सके? लोगों को जागरूक किया जा सके। और हीमोफीलिया की, इस बार की अगर हम लोग विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम की बात करें तो एडॉप्टिंग टू चेंज, इस तरह की इस बार की क्या रखी गई थी, क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी। समझ में आया या नहीं आया? और हीमोफीलिया के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यह एक अनुवांशिक रोग है जिसमें मरीज में खून का थक्का जमाने वाले प्रोटीन फैक्टर 8 नहीं बनता है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर भी आप लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? लीवर के बारे में तो सुने हो, कई लोग कह देते हैं लीवर खराब हो गया है, 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को या 22 अप्रैल को? क्या कहोगे? विश्व यकृत दिवस भी कहते हैं, लीवर को क्या कहते हैं हिंदी में, यकृत। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें, अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, इस बार की क्या रही है, क्या रही है, थीम रही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है 18 अप्रैल, बी कह रहा है 19 अप्रैल और सी कह रहा है आपका 20 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल, डी कह रहा है 23 अप्रैल। क्या होगा इसमें, बताइए कुछ। तो आप सभी को मालूम होगा क्या, 18 अप्रैल को, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। क्या रहेगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है और एक तरह से इसे मनाने का उद्देश्य यही कि दुनिया भर की पुरानी स्मारक और ऐतिहासिक दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, इन्हें सुरक्षित रखा जा सके, इन्हें खत्म होने से बचाया जा सके। ठीक है, इसलिए मनाते हैं हम लोग। और इस बार की अगर थीम की बात करें तो कम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, इस बार की थीम रखी गई है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 यानी कि 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात हो रही है, बताइए कुछ, भारत को कौन सा स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? 76वां, 82वां, 84वां या 93वां? बताइए, तो आप सभी को मालूम होगा 84वां, कितना 84वां मिला है, कौन सा 84 मिला है। ये एक हेनले पासपोर्ट सूचकांक विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग को दर्शाता है एक तरह से, ये बताता है कि सबसे, मतलब एक तरह से आप देखिए कौन किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है एक तरह से, समझ रहे हैं? तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, भारत का क्या है 84वां। और इसमें आपको बता दूं कि पासपोर्ट इंडेक्स इस साल दुनिया 6 से एक तरह से जारी किया जा रहा है। भारत के जो नागरिक हैं ये वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल 58 जगहों पर जा सकते हैं। ठीक है, और कमजोर की बात करें तो आप देखेंगे अफगानिस्तान सबसे नीचे है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? हर साल राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन आपसे कह रहा है 21 अप्रैल, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल
या 17 अप्रैल? तो याद रखिए इसमें 21 अप्रैल होगा आपका। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। देखिए इसको एक तरह से मनाने का उद्देश्य यही है कि लोक सेवकों को एक तरह से समर्पित रहता है जो देश के की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सिविल सेवकों के योगदान को शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए बहुत मेहनत करते हैं और कई लोग आप देखते हैं और किसी भ्रष्टाचार की दिशा में एक तरह से योगदान करते हैं। आप समझ सकते हैं, मुझे लगता है आप लोग बेहतर जानते होंगे। राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 21 को। तो आप लोग इसे याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग, क्या करेंगे रोक के। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली प्रथम महिला बनी है? ए कह रहा है कौशल्या देवगन, रुचि शर्मा, राधिका सिंह, प्रियंका मोहिते। तो इसमें आप देखेंगे प्रियंका मोहिते होंगी। ये आप सभी को मालूम होगा कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों को फतह कर कई भारतीयों ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज भी किया हुआ है। और दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है माउंट अन्नपूर्णा को, इसे फतह किया है प्रियंका मोहिते ने। ठीक है, भारत की पहली महिला बनी हुई है माउंट अन्नपूर्णा को इन्होंने फतह कर लिया। तो आप लोग कुछ नहीं होता है तो आप लोग यहीं निकल जाया करिएगा, घुमाया करिएगा। लगभग 8,000 मीटर आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं? घुमाया करिएगा, इसी में आपका नाम हो जाएगा, इतिहास में लिख जाएगा। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है। 140/ 142/ 151/ 153/, बताइए कुछ इसके बारे में, बता पाओगे या नहीं बताओगे? कुछ मुझे भी बताओ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसे 142वां स्थान मिला है भारत को इसमें। और आपको मालूम होना चाहिए कि 180 देशों को शामिल किया गया, और आप देखिए 180 देशों में हमारा नंबर कितना है? 142वां है। यानी कि मान लीजिए इसे बेहतर, बहुत सरल शब्दों में आप लोग समझिए, आपकी क्लास में 180 बच्चे बैठे हुए हैं और आपका स्थान 142वां है, तो आप बताइए कि आपकी स्थिति क्या है? आप अच्छी स्थिति है या खराब स्थिति है? ये स्वाभाविक सी बात है कि हमारी स्थिति बहुत बुरी है। और इसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को हर साल जारी किया जाता है एक गैर लाभकारी संगठन के द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इस संस्था को भी याद रखिएगा, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यही इसे जारी करता है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग और पड़ोसियों की बात करें तो इरिटिया सूचकांक में सबसे निचले स्तर पर है, 180वें स्थान पर है। एक बात और आपको बता दूं, इस तरह की रिपोर्ट कभी जारी होती है, सूचकांक जारी होते हैं या जिन्हें आप लोग इंडेक्स कहते हैं, तो इसमें भारत की स्थिति आप लोगों को ध्यान से पढ़नी है। इसे कौन जारी करता है ये भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, सबसे नीचे कौन है उसे भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, सबसे ऊपर कौन है उसे भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। और मुझे लगता है कि इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना रहती है। अगर हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर आपको नॉर्वे देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर है, 5 सालों से लगातार ऊपर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड आपको देखने को मिलेगा, तीसरे स्थान पर डेनमार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम लोग अपने पड़ोसी की बात करें चाइना की, तो 177वें स्थान पर देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि चाइना में कोई लोकतंत्र नहीं है। उत्तरी कोरिया 179वें स्थान पर है, तुर्कमेनिस्तान 178वें स्थान पर है। ठीक है, हमारा स्थान 142वां है, कितना? 142वां है। और सन 2002 से ये रिपोर्ट जारी की जा रही है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर साल यानी कि प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप देखिए पृथ्वी को बचाना भी हमारा कर्तव्य है, इस पर जो संसाधन है वो सभी के हैं,
और इनका एक तरह से आप देखिए उपयोग बड़े सोच समझ के करना चाहिए। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, बताइए कुछ इसके बारे में। तो आपको बता दूं कि 22 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। और इसे एक तरह से आप देखिए पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था, ठीक है। और इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें तो इस बार की रीस्टोर और आवर अर्थ, इस बार की क्या रखी गई है? थीम रखी गई है रीस्टोर आवर अर्थ, इस बार की थीम रखी गई है, थीम रखी गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। कौन भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? भारत के कौन भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? ए ऑप्शन आपसे कह रहा है विमल जैन, बी कह रहा है अतुल त्रिपाठी, सी अर्जुन कल्याण और डी है सुरेश राणा। सुरेश राणा। तो याद रखिए इसमें होंगे आपके अर्जुन कल्याण, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और आपको बता दूं कि अर्जुन कल्याण ये आपके तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस देश के राष्ट्रपति इदरिस डेवी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गई, यानी कि मौत हो गई इनकी? चाड, केन्या, ब्राजील, नाइजीरिया। इदरिस डेवी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी डेथ हो चुकी है? तो याद रखिए चाड, चाड ये अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा, एक स्थल रुद्ध देश है चाड, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं चाड किस तरह का नाम है। इसकी राजधानी अन्जमेना है, अन्जमेना, समझ रहे हैं आप लोग, अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी हुई है? नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है मनीषा पटेल, रवीना सिंह, रेखा मेनन, अंजलि द्विवेदी। तो याद रखिए रेखा मेनन होंगी इसमें, क्या होगी? रेखा मेनन होंगी। और अगर हम लोग नैसकॉम के बारे में बात करें तो 1 मार्च 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिति वर्ष यानी कि हर साल विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस की बात कर रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं ना? ए ऑप्शन कह रहा है 20 अप्रैल, या बी कह रहा है 22 अप्रैल, सी कह रहा है 23 अप्रैल और डी कह रहा है आपका 25 अप्रैल। तो बताइए कब इसे मनाया जाता है? 23 अप्रैल होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसे मनाने का उद्देश्य देखिए एक ही होता है कि लोगों में एक तरह से किताबों के प्रति रुझान बढ़े, समझ रहे हैं आप लोग। और एक आप देखिए एक तरह से आप सभी जानते हैं कि मुझे लगता है कि आजकल हम लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन किताबें किताबें रहती हैं, समझ रहे हैं, किताबों की एक तरह से आप कहिए तुलना नहीं की जा सकती है, मोबाइल की तुलना किताबों से नहीं की जा सकती है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें, 1995 में यूनेस्को ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस या फिर विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था, ठीक है। और थीम की बात करें तो इसकी अलग अलग साल अलग अलग थीम भी रहती है। यूनेस्को, टू शेयर ए स्टोरी वर्ल्ड विद द
थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, कीपिंग द पेंडेमिक इन माइंड। चलिए आगे चले हम लोग। तेईस अप्रैल को याद रखिए, ठीक है। कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है? आशा राव, वनिता गुप्ता, गीतांजलि वर्मा, दीपिका चतुर्वेदी। तो याद याद रखिए, वनिता गुप्ता होंगी इसमें, यानी कि आपका बी ऑप्शन ठीक रहेगा। बी कैसा रहेगा? ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति HDFC बैंक के नए अंशकालीन अध्यक्ष बने हैं? अतनु चक्रवर्ती, नीलेश शर्मा, विकास चौधरी, ऋषि गोयल। तो याद रखिए इसमें अतनु चक्रवर्ती होगी। अब आप लोग कहेंगे कि HDFC बैंक के बारे में कुछ बता दीजिए। तो याद रखिए, इसकी HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। कहाँ? मुंबई में देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व सेवन राठौर का निधन, यानी कि मौत हुआ अभी हुई है हाल में ही, वह थे किससे जुड़े हुए थे? संगीतकार थे, या अभिनेता थे, या चित्रकार थे, या वैज्ञानिक थे? तो आपको बता दें कि ये संगीतकार थे। कौन थे? सरवण राठौर संगीतकार थे, बॉलीवुड के मशहूर जोड़ी नदीम सरवण में। समझ रहे हैं आप लोग, सेवन राठौर की डेथ हो चुकी है कोरोना से, एक तरह से आप समझ सकते हैं। इन्होंने कई हिट सॉन्ग भी दिए हुए थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तिथि वर्ष, यानी कि हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस की बात हो रही है, समझ रहे हैं, मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल या 23 अप्रैल, बताइए। तो याद रखिए इसमें 25 अप्रैल होगा आपका बिल्कुल सही। क्या होगा? 25 अप्रैल बिल्कुल सही होगा। 25 अप्रैल को दुनिया भर में एक तरह से विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और इसे मनाने का शुरुआत पहली बार 25 अप्रैल 2008 को हुई थी। और इसे को मनाने का उद्देश्य यही है कि जैसे मलेरिया जैसे खतरनाक रोगों से जनता जागरूक हो, बच सके। और इस बार की थीम की बात करें तो जीरा मलेरिया लक्ष्य की ओर, यानी कि जीरो मलेरिया लक्ष्य की ओर बढ़ना थीम रहा है, ठीक है। और ऐसे एक तरह से बचा जा सके, दूर रहा जा सके, समझ, जीरो मलेरिया स्टार्टअप विद मी, अपने आसपास सफाई भी रखा करिएगा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया, यानी कि डेथ हो चुकी है, क्या थे? गायक, या लेखक, या वैज्ञानिक, अभिनेता? तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होगा, गायक थे। क्या थे? गायक थे, पंडित राजन मिश्रा। और साल 1951 में पंडित राजन मिश्र का जन्म बनारस के शास्त्रीय संगीत घराने में हुआ था, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 2007 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा भी गया था। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोरोना महामारी ने बहुत सारे लोगों को हमारे बीच से छीन लिया है, और अभी देखिए कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अपनी सावधानी रखना है, अपने परिवार का ख्याल आप लोगों को रखना है। कौन व्यक्ति कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? मनीष त्रिवेदी, जमना लाल या जमन लाल सिसोदिया, राजेश बिंदल, रमेश भट्टाचार्य। तो याद रखिए इसमें राजेश बिंदल होंगे, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आप लोग देखते हैं ना कि पश्चिम बंगाल कलकत्ता, उसी की बात हो रही है। ममता बनर्जी जानते होंगे आप लोग, ममता बनर्जी को। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चले रुक के क्या करेंगे, कहियो। अंडमान निकोबार द्वीप तक इसका अधिकार क्षेत्र जाता है, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप तक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं। दिए गए ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? बेस्ट एक्टर्स का, जेम्स फिलोनो, या एंथनी हॉपकिंग्स, एडी एंडी जुल्क, रियान क्लार्क। बताइए इसमें क्या करोगे, कुछ है मालूम? तो याद रखिए एंथनी हॉपकिंग्स को
ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम झूरोंग रखा है? जापान, चीन, यूएई, फ्रांस। तो याद रखिए चाइना ने रखा है, हमारा पड़ोसी भी है चाइना। हमारा पड़ोसी है या नहीं है, जिसकी राजधानी बीजिंग है, हमारी सीमा भी लगती है। आपने देखा है लद्दाख को अपना हिस्सा बताता रहता है, कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने लगता है, कभी आप देखिए सिक्किम के पास आकर बैठ जाता है, कभी उत्तराखंड के पास आकर बैठ जाता है, मैकमोहन रेखा को मानता भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे तो हमारे पड़ोसी हैं कि हमसे कितने जलते हैं। जारी सीपरी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना है? इसमें अमेरिका, चाइना या फिर आप देखिए भारत, जापान। तो मुझे लगता है कि इतना तो कॉमन सेंस आप लोगों को होगा, इसमें आपका अमेरिका होगा। क्या होगा? अमेरिका होगा। सीपरी का पूरा पूरे नाम की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी तरफ से आप देखिए एक आंकड़े जारी किए जाते हैं और 2020 में दुनिया का सैन्य खर्च 1981 अरब डॉलर रहा है, जो एक तरह से आप कहिए कि 2019 के मुकाबले 2.6% ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अमेरिका ने खर्च किया हुआ है और भारत की हिस्सेदारी 3.7% है और हम लोग तीसरे नंबर पर हैं। अमेरिका पहले नंबर पर, चाइना आपका दूसरे नंबर पर और तीसरे पे हैं हम हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीफरी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय सोलना में देखने को मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति NCDEX के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं? ए ऑप्शन कह रहा है आपसे गोविंद प्रसाद, भवानी सिंह, राजपाल मेघवाल, अरुण रस्ते। तो मुझे लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए अरुण रस्ते। और इसे आप लोग पूरा नाम है इसका नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। इसकी स्थापना 15 दिसंबर 2003 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस, नृत्य यानी कि नाच कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, 26 अप्रैल, बी 28 अप्रैल, सी 29 अप्रैल और सी डी है आपका 30 अप्रैल। बताइए कुछ इसका। ये आपका 29 अप्रैल देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए एक और बात बताऊं, उसमें पहली बार शुरुआत इसकी कब हुई थी, 29 अप्रैल 1982 में हुई थी। बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है। और एक तरह से आपको और एक मालूम होना चाहिए, इस दिवस को प्रतिवर्ष नृत्य की शिक्षा और उसके आयोजन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम परफेक्ट ऑफ डांस यानी नृत्य का उद्देश्य रखी गई है। तो याद रखिए इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सीमा सड़क संगठन BRO की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है? नमिता राव, ज्योति वर्मा, पुष्पा राव, वैशाली हिवासी। तो याद रखिए वैशाली हिवासी होंगे सीमा सड़क संगठन की। और इसके बारे में अगर सीमा संगठन बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं ना, यहाँ सड़क के निर्माण और व्यवस्था की करता है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारे सामने, कौन व्यक्ति भारत के अगले वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं? वित्त सचिव अजय सेठ, देवाशीष पांडा, टीबी सोमनाथन, एमके नरसिम्हा। तो याद रखिए टीवी सोमनाथन वित्त सचिव जानते हो, वित्त सचिव की नियुक्ति की गई है।
वित्त आयोग के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, सुने हो या नहीं सुने हो, फिर गए होगे नहीं सुने हैं। वित्त आयोग से एक बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, फाइनेंस कमीशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 22 नवंबर 1951 में। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग, अभी आपने देखा होगा 2000 कब लगा है, 15वां वित्त आयोग हो गया ना। वित्त आयोग 280 आर्टिकल आप लोगों ने कभी पढ़ा है, उसी में व्यवस्था की गई वित्त आयोग की। ये 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल होगा 2020 से लेकर 2025 तक, अभी 14वां वित्त आयोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, खत्म हुआ था 15वां हो गया। प्रसिद्ध व्यक्तित्व रोहित सरदाना का डेथ हुई है, यानी कि इनकी मौत हो चुकी है कोरोना महामारी में, आप लोगों ने देखा होगा। ये पत्रकार थे, वैज्ञानिक थे, गायक थे या अभिनेता? तो मुझे लगता है इस समय तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे रोहित सरदाना। और कोरोना महामारी के समय हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई थी। जी न्यूज में आपने देखा होगा इन्हें, आज तक पर भी देखा होगा, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी इन्हें मिला था 2018 में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन वन अन्वेषक पुरस्कार के नए लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? कौन वन अन्वेषक पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? सुगंधा शर्मा, कृति कारंद, अवनी जयसवाल, माधुरी राय? तो याद रखिए कृति कारंद, कारंद है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बने हैं? प्रदीप बजाज, नीरज बजाज, योगेश बजाज, सुरेश बजाज? तो याद रखिए नीरज बजाज, बजाज ऑटो देखे हो या नहीं देखे हो? बजाज ऑटो लिमिटेड की बात करें इस कंपनी की, तो इसकी फाउंडेड यानी कि स्थापना हुई थी 29 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में कहाँ देखने को मिलेगा? पुणे में देखने को मिलेगा, मुंबई में नहीं, पुणे में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। चलिए आगे चलते हैं आप लोग। ये आपका अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन्हें हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। और जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हो उस समय आप लोग इन्हें देख के जाया करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग, आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग मई महीने के जो भी आपके करंट अफेयर्स की घटनाएं रही हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उनसे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर एक नज़र हम लोग डालेंगे और विस्तार से हम लोग बात करेंगे। बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है।